गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके पाठ ग्रामश्री पर प्रकाश डालने जा रही हूँ, जिसके राइटर हैं सुमित्रा नंदन पंत। सबसे पहले तो मैं जीवन परिचय पर प्रकाश डालूंगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, किस बात के कवि थे? छायावादी। ये मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में देती हूँ, इसी तरह से आपके बोर्ड में 12वीं में भी आते हैं, इसलिए अभी से इन चीजों पर ध्यान रखना चालू कर दीजिए। ओके, सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि थे, ठीक है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 20 मई 1920 को उत्तर प्रदेश के कुमायूं अंचल के कोशानी गांव में हुआ था। ओके, पंत जी का बचपन का नाम, पंत जी जो हैं बचपन में प्रकृति की गोद में, इनका जो बचपन है वो प्रकृति की गोद में बीता, जिसका प्रभाव इनकी कविताओं में दिखाई देता है। हाँ, इसलिए इन्हें प्रकृति प्रेमी भी कहा गया है ना। अगर आपको आता है प्रकृति प्रेमी क्यों कहा गया है, क्योंकि इनका जो बचपन है प्रकृति की गोद में बीता है, इसलिए इन्हें प्रकृति प्रेमी कहा गया है ना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा तथा मैट्रिक की शिक्षा वाराणसी में हुई। बाद में आप इलाहाबाद चले गए और वहीं से आपने इंटर में प्रवेश लिया। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया। घर पर ही आपने हिंदी, संस्कृत और बंगला अंग्रेजी भाषा साहित्य का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य सृजन भी किया इन्होंने, ठीक है। आपको कला और बूढ़ा चांद के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। ये दोनों महत्वपूर्ण है, मैं जो जो महत्वपूर्ण बताती हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका निधन कब हुआ? 28 दिसंबर 1977 में इनका निधन हो गया। अब जो पंत जी हैं, वो प्रारंभिक रचनाएं उनकी प्रेम और सौंदर्य और प्रकृति प्रेम से भरी हुई थी, इसलिए उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। ये आप उससे भी लेंगे और इससे भी लेंगे, दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन का आंसर बनेगा, प्रकृति का सुकुमार कवि, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने प्रेम सौंदर्य और प्रकृति प्रेम से भरी हुई रचनाएं की और इनका जो बचपन है वो कहाँ बीता? प्रकृति की गोद में बीता, प्रकृति के सानिध्य में बीता, इसलिए इन्हें प्रकृति प्रेमी कहा जाता है। अब कोमल कल्पना का सुकुमार कवि भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। पंत जी की रचनाओं में ग्राम्य, युगांत, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, चिदम्बरा, लोकायतन आदि प्रमुख हैं। ये तो हो गया इनका जीवन परिचय, ठीक है। अब ये जो कविता है इसके ये तीन तीन मैं पढ़कर फिर अर्थ समझाऊंगी, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं तीन ये इसके जो पद है वो तीन पढ़ूंगी, उसके बाद अर्थ समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, बन जाएंगे, नहीं तो फिर मैं पीडीएफ में दूंगी, ठीक है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रेव की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनके के हरे हरे तन पर हिलहरित रुधिर झलक रहा, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभका चिर निर्मल नील फलक, रोमांचित सी होती रोमांचित सी लगती बसुधा, आई जो गेहूं की वाली और हर सने की सोने की किंकड़ियां शोभा मत वाली। अब मैं इसका अर्थ बताने के लिए जा रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब राइटर क्या कहता है? राइटर कहता है कि जहाँ जहाँ तक मेरी निगाह जाती है, मैंने क्या बोला है कि दूर दूर तक खेतों में जहाँ जहाँ तक मेरी निगाह जाती है वहाँ मखमल के समान कोमल हरियाली बिछी हुई है ना। मखमल के समान कोमल हरियाली दिखाई देती है और जब उस कोमल हरियाली के ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे चांदी की कोई सफेद जाली उनको क्या की हुई है, चांदी की सफेद जाली उनके ऊपर बिछी हुई है ना, और जो राइटर का मन को मोह रही है, ठीक है। अब जब क्या चलती है? हवा चलती है, तिनके के हरे हरे तन पर झलक रहा, तो जब हवा चलती है तो क्या देखता है कि जो हरे हरे तिनके हैं, है ना, जो हरे हरे तिनके हैं और उन तिनकों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे हरे रंग का खून हमारे शरीर में, कौन से रंग का खून संचार करता है, रेड, लाल रंग का, और इनके शरीर में हरे रंग का, तो निकाह है कि हरे रंग का खून संचार कर रहा है तिनकों के शरीर में, तिनकों में ऊपर से नीचे तक हरे रंग का खून संचार कर रहा है, झलक रहा है, ठीक। इस प्रकार की धरती को देखकर ऐसा लगता है
कि नीला आकाश धरती पर उतर कर गया आ गया है, झुक गया है, है ना। नीला जो आकाश है वो क्या हो गया है, धरती पर झुक गया है, ठीक है। और वह अपने सफेद और नीलमा विस्तार पूरी धरती पर करते हुए अधिक सुंदर लग रहा है। वो कैसा है, कहीं कहीं सफेद कहीं कहीं नीला दिखाई देता है, आपने देखा होगा आसमान को, कहीं नीला दिखता है कहीं सफेद दिखता है। वो जब धरती पर उतरता हुआ नजर आता है, झुका हुआ नजर आता है, बड़ा ही सुंदर लगता है, ठीक है। इस प्रकार खेतों में जो गेहूं है ना, जो गेहूं की बाली, गेहूं बोए हुए हैं, उनमें बालियां आ गई हैं, हैं, उनसे धरती सजी हुई लग रही है, सुंदर दिखाई दे रही है, और उसके जो दाने हैं वो चमकने लगे हैं। अरहर और सनई में भी फलियां लग गई हैं, अरहर सनई में क्या लग गई हैं, फलियां लग गई हैं, और है कैसी हो गई, गोल्डन, सोने के समान हो गई हैं, ठीक है। और वह जो किंकड़ियां, किंकड़ियां उनने बोला है मतलब जो फलियां हैं वो घुंघरू, किंकड़ियां मतलब घुंघरू के समान आवाज करती हैं और अधिक सुंदर लगती हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका तीन का अर्थ। अब उसके बाद देखिए तीन का फिर बताऊंगी। उड़ती भी नहीं तैलात गंध, फूली सरसों पीली पीली, जो हर धरा से झांक रही, नीलम सी कली तीसी नीली, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई, अमृत की डाली झर रहे डाक, पीपल के दल हो रही कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू डाड़ू, आलू गोभी बैगन मूली, ठीक है। अब इसका मैं अर्थ बताने जा रही हूँ, ठीक है, देखिएगा। अब क्या कहते हैं वो, जब वो उन खेतों से गुजरते हैं तो क्या होता है कि तेल के समान, तेल की सुगंध, सरसों खेत से गुजरो आप कहीं तो सरसों की जो सुगंध है वो सरसों के तेल के समान चारों तरफ, पीले पीले जो फूल होते हैं वो सरसों कहलाती है, तो उसकी खुशबू चारों तरफ बिखर जाती है ना। मतलब खेतों में पीली पीली सरसों दिखाई दे रही है और उसकी तेल की सुगंध जो है चारों तरफ फैल गई है। अब हरी हरी धरती पर तीसी अलसी नीली नीली, देखा होगा हरी हरी धरती है, उसके ऊपर जो 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 अलसी है उसके फूल नीले नीले होते हैं, है ना। उसके फूल कैसे होते हैं, नीले नीले, तो वह नीले नीले फूल दिखाई दे रहे हैं। उसे देखने से कैसा लग रहा है, मानो चुपचाप, अब वो जो ऊपर है क्योंकि वो नीले नीले फूल अलग दिख रहे हैं, पीले पीले फूल अलग दिख रहे हैं और हरे हरी धरती दिख रही, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो चुपचाप कुछ देख रही हो, है ना। इसी प्रकार क्या होता है कि हम भी डालियों मतलब, और जो आगे उन्होंने कहा है कि अब स्वर्ण रंजर, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृत, जब आमों में बौर आ जाते हैं, देखे होंगे कि बौर आते हैं छोटे 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 छोटे, तो ऐसा लगता है जैसे आम की जो डालियां हैं वो कैसे लद गई हैं, सोने की कंकड़ियों से, सोने के छोटे छोटे बिंदु उस पर लगा दिए गए हैं, स्वर्ण मंजरियों से लद गई है। झर रहे डाक पीपल के दल, हो रही कोकला मतवाली, चारों तरफ पीपल और ढाक के पत्ते झर रहे हैं। प्रकृति इस समय क्या हो गई है, मतवाली हो गई, और प्रकृति बड़ी सुंदर हो गई और कोकिला मतवाली हो गई है। कोकिला को ये मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आगे वो कहते हैं कि अब महके कटहल मुकलित जामुन, कटहल की सुगंध चारों ओर फैल गई है, जामुन खिली हुई सुंदर लग रही है, झरबेरी झूलती हुई दिखाई दे रही है, आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैगन मूली, ये लगे हुए हैं जो मन को मोह रहे हैं, ठीक है, ये मन को छू रहे हैं, ये सब चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। अब उसके बाद देखिए आगे मैं पढ़ती हूँ। पीले पीले अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहरे मधुर बेर, आंवली के से तरु की डाल झड़ी, लहलह पालक महमह धनिया, लौकी और हेम फली फैली, मखमली टमाटर लाल हुए, मिर्चों की बड़ी हरी थैली, पगियों के छोटे पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे साजन छाजन, सुंदर गेहूं की बालों पर मोती के दानों
से हिंगन, ये तीन हो गए। ये तीनों को फिर से अर्थ बताने जा रही हूँ। अब वो आगे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आगे जब मैं आगे मैं देखता हूँ कि जो अमरूद लगे हुए हैं, मीठे मीठे अमरूद लगे हुए हैं, उनमें देखा होगा आपने गुलाबी रंग की चित्तियां पड़ जाती, गुलाबी रंग के डार्ट पड़ जाते हैं, है ना। वो बहुत मीठे लगते हैं वो वाले अमरूद, है ना। तो वो चित्तियों पड़े वाले अमरूद जब आप खाएंगे तो बहुत मीठे लगने लगते हैं। और जो बेर हैं वो सुनहरे रंग के हो गए हैं, और जो आंवले की डाली है वह क्या हो गई है, आंवले से लद गई है, है ना। और जो पालक, ये तो सब बहुत सरल है, पालक लहलहाती नजर आ रही है, धनिया की सुगंध चारों ओर फैल रही है, लौकी और सेमफली जो है चारों तरफ लग चुकी है। लौकी देखा होगा तो छोटे छोटे वो बनाए जाते हैं लकड़ी के खम्भों से छाजन बनाए जाते हैं, उन पर फैलाई जाती है बेल वाली चीजें, ठीक है। और जो टमाटर हैं वो कैसे थे, हरे हरे थे मकबल के समान, वो अब लाल लाल हो गए हैं। और मिर्ची जो है थैले के गुच्छे रूप में लगी हुई है, तो वो गुच्छे के रूप में लगी हुई है, बड़ी सुंदर लग रही है, थैली के समान लग रही है। अब उन्हें आगे कहा है बगियों के छोटे पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे छन। अब उन्हें कहा है कि ये जो बगिया बनी हुई है इसमें छोटे छोटे साजन छाजन बनाए हुए हैं, मतलब वही मैंने अभी बताया लकड़ी और खम्बे के जो है बनाकर छाजन बनाए जाते हैं। वे उन पर जब बेलाएं लटकती हैं, जैसे ककड़ी भी उसी पर होती है, लौकी भी उसी पर होती है, तो वो बहुत सुंदर लगती हैं, है ना। इस तरह से जो है फैली, मतलब खेतों में जो फैली हुई गेहूं की बाली पड़ी हुई हैं, उस पर जब ओस की जो बूंदें मोती के समान चमक रही हैं। अब जो गेहूं की बाली पड़ी हुई है खेत में, उस पर मोती के समान जो का क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है, ओश की बूंदे चमक रहे हैं, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। उसके बाद देखिए, प्रातः ओझल हो जाता जग, भू पर आता जो उतर गगन, सुंदर लगते फिर कोहरे उठते से खेत बाग ग्रहवन, बालू के सांपों से अंकित, गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती झरपट छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगले, कलगी संहारते हैं कोई, तिरते जल में सुकराब पुलिन पर मगरोटी रहती सोई, मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नव अच्छा निर्भम निवा हेमांत स्निग्ध शांत, निशोभा से हरता जनमन। अब ये चारों का मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। अब जैसे ही जैसे प्रातः होती, देखा ये ठंड की समय का वर्णन है कि जब प्रातः होती है तो चारों तरफ कोहरा छाया हुआ रहता है। जब कोहरा छाया हुआ रहता है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान पृथ्वी पर उतर कर आ गया है, है ना। तो जैसे जैसे थोड़ी सूर्य की किरणें उस पर प्रथम प्रभात की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि हर पेड़ और हर घर हर व्यक्ति उठता हुआ नजर आने लगता है। वो कोहरा जैसे जैसे हटता है तो खेत हो गए, बाग हो गया, ग्रह हो गया, वन हो गया, ये सब जागते हुए नजर आते हैं, चाहे मनुष्य हो गया, हर व्यक्ति एक अलग सुंदर सा लगने लगता है। जैसे 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 ओझल होता है वह, है ना, और मतलब कोहरा हटने लगता है, वैसे वैसे सब कुछ जागता हुआ नजर आने लगता है। बालू के सांपों से अंकित गंगा में सतरंगी खेती, देखा होगा कि जब पानी जो बालू पड़ी हुई रेत पड़ी हुई है उस पर आता और जाता है तो लाइन खींच जाती है एक तरह की। वह लाइन किसके समान लगती है, जैसे वहां से सांप गुजरा हो, ठीक है। तो जब वो लाइन खींच जाती है तो वहां जब थोड़ा सा पानी भर जाता है तो वो सात रंग के, जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो सात रंग में झलकने लगता है, है ना, काहे में सात रंग में लगता है। तो वह जो लाइन है उसमें जो भरा हुआ पानी है उस पर प्रकाश की किरण पड़ने पर सतरंगी रेती चमकने लगती है। और उसके बाद क्या होती है, जो तरबूज लगाए जाते, खरबूज लगाए जाते, कहीं कहीं भट्टे भी लगाए जाते हैं, कहीं कहीं ककड़ी भी लगाई जाती, ये सब जो लगाई जाती हैं ये बड़ी ही सुंदर लगती है। वहां नर्मदा किनारे ये खेती बहुत सुंदर लगती है। अब उन्हें आगे क्या कहा है, उन्होंने आगे कहा है कि जब सुबह सुबह कहीं कहीं बगले क्या करते हैं, अपनी कलगी को संवारते हैं, ठीक है, संवारती हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वे अपनी उंगलियों से कंघी कर रहे हैं। कहीं सुकराव एक नाम का
एक जो है एक तरह का पक्षी है जो जल में तैर रहा है, और किनारे पर मगरोटी पक्षी नाम की चिड़िया सोई हुई है। ठीक है, ठीक है। कहाँ पर सोई हुई है? किनारे पर, या पुल के ऊपर भी सोई हुई है। ठीक है। सुबह सुबह नीलमणि के डिब्बे के समान गांव खुला हुआ दिखाई देता है। जब सुबह सुबह देखते हैं चहल पहल होती है गांव में, तो ऐसा लगता है जैसे कोई नीलमणि डिब्बा खुला हुआ है। चूंकि पूरे गांव में ओस ढका रहता है, जिससे उस पर आसमान का नीलापन आकर्षक लगता है, नीलापन पड़ा हुआ रहता है जो बहुत आकर्षक लगता है। उस समय क्या होता है? उस समय उसकी जो शांति में शोभा है, उस पर सारा जन मन निछावर हो जाता है। उस सुंदरता के ऊपर, उस सौंदर्य के ऊपर सब कुछ निछावर हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका लेसन। अब इस लेसन के बाद ये जो आपकी क्वेश्चन आंसर है, ये तो मैं आपको उसमें दे दूंगी। फिर ये पर्यायवाची है, ये तो आपसे बन ही जाएंगे, बहुत सरल है ना। इसके बाद इसकी जो व्याख्या है, ये तो मैंने अभी बता दी है, बस इसमें कोई एक्सरसाइज है ही नहीं। चलिए, आपका ये लेसन हो गया फिनिश। ओके।